नगर परिषद में तैनात कर्मचारी रविंद्र व कुलदीप ने सीआईए स्टाफ पुलिस पर उन्हें सीआईए में ले जाकर बेवजह मारपीट करने का आरोप लगाया है। कर्मियों ने इस उपरांत इसकी शिकायत जिला उपायुक्त एसपी फतेहाबाद डीएसपी टोहाना को दे दी है। मामले में कार्रवाई न होने से नाराज कर्मियों ने नगर परिषद के बाहर धरना देकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो वे इसे आंदोलन में बदल देंगे। सर रोहना कर्मचारी हूँ जी, मेरी ड्यूटी वहाँ पर सुपरवाइजर ने लगाई थी जी, हमारा वो पे जो तो कमेटी की जिस तरफ से जी वो आया था जी, हेलो फोन आया था जी, तो वो जो मुर्गे की वो थी जी, पिट्ठे वगैरह जी, उसके अंदर ज़्यादा बदबू फैली हुई थी, इस कारण वहाँ पे ड्यूटी लगाई हुई थी। और वहाँ पे सीआईए के चार वो आए जी कर्मचारी, और उन्होंने आते ही हमारे साथ उसमें गाड़ियाँ बैठाते ही हाथापाई शुरू कर दी। उसके बाद वहाँ लेके चले गए जी, वहाँ जाते ही फिर मारी पिटाई शुरू हुई, फिर हमें नंगा कर दिया गया जी, फिर मारी पिटाई शुरू हुई। ये मामला पुलिस प्रशासन के खिलाफ कर रहे हैं। कल हमारा एक कर्मचारी नगर परिषद कार्यकारी अध्यक्षों के अनुसार कैंची चौक पे गया था, कोई बीट की ट्राली थी उसको देखने के लिए गया था, उसका चलान करना था। कुछ ही देर में पुलिसकर्मी आए और उसको सीआई स्टाफ पड़े और वहाँ से उठा के और उसको चौकी ले गए, उसको मारपीट की, बेरहमी से पिटा गया। और कल उसको 11 बजे छोड़ा गया। उसने कहा था कि मैं एमसी का कर्मचारी हूँ, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कोई कार्रवाई नहीं की। तो अब आपकी क्या मांग है जी? अपनी मांग है जिसने ये निंदनीय कार्य किया उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।